नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूरो फियरलेस। आज बात करते हैं पीएम 10 और पीएम 2.5 पॉल्यूशन पार्टिकल के बारे में। साथियों, यह है आजकल आप जो सुबह सुबह धुंध देख रहे हैं कुछ दिनों से, उसमें पाए जाते हैं। और इसकी डिटेल जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में कि यह कौन से कण होते हैं, किस तरीके से नेचर में घुलते हैं, इसकी सारी जानकारी उस वीडियो में दी है। आप उस वीडियो को देखें, इससे आप समझ पाएंगे कि वह कण कौन से होते हैं। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं पीएम 10 और पीएम 2.5, अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। पीएम 10 और पीएम 2.5 जो कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इसको ऐसे समझें कि हमारे सर का जो बाल होता है वह लगभग 100 माइक्रोमीटर का होता है, और इसकी चौड़ाई पर हम पीएम 2.5 के लगभग 40 कणों को रख सकते हैं। ये दोनों कण हमें कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, आइए इस बारे में बात करते हैं। पीएम 10 जो कण होते हैं उनका साइज लगभग 10 माइक्रोमीटर का होता है, और इसके कण में धूल, गर्दा और धातु के सूक्ष्म कण मिले होते हैं। यह निर्माण कार्य कहीं पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कहीं पर बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा कर रखा आपने, उस जगह बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। और जो हम धुआं करते हैं या पराली जलाते हैं या कोई प्लास्टिक की चीजें जलाते हैं तो पीएम 10 के बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और पीएम 2.5 जो होता है वो हवा में ज्यादा घुलता है। इसका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। जब यह हवा में ज्यादा घुल जाएगा तो हमारे आसपास काफी धुंध हो जाएगी, जो आप आजकल सुबह सुबह देख रहे हैं दो चार दिन से। तो यह जैसे जैसे हवा में घुलता जाएगा वैसे वैसे हमारी आसपास की विजिबिलिटी जो है कम होती चली जाएगी और हमें चीजें देखने में दिक्कत होगी। तो पीएम 10 का जो सामान्य लेवल है वह 100 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर होता है, और 2.5 का जो सामान्य लेवल है वह 60 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर होता है। साथियों, जब यह हवा में ज्यादा घुल जाएगा तब हमारी आंखों में जलन, गले में खराश, फेफड़ों में तकलीफ, सांस लेने में दिक्कत, खांसी, जिसके बारे में मैं कोहरे वाले वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बता चुका हूं। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दिया गया है। साथियों, आज 10 फरवरी है और बृहस्पतिवार के दिन नोएडा का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 236 है, जिसमें पीएम 2.5 का जो लेवल है वह 186 है। तो इसका मतलब है कि हम सामान्य से बहुत ज्यादा ऊपर पीएम 2.5 का लेवल है, जिसको हम अनहेल्दी बोलेंगे। ऐसे में बाहर कोई भी आउटडोर एक्टिविटी ना करें जो आप धुंध में कर रहे हैं। धुंध में कोई भी जो आउटडोर एक्टिविटीज आप करते हैं उससे आपके फेफड़ों में सीधे यह कण पहुंच जाते हैं और आगे जाकर कई लोगों में कैंसर सेल भी पैदा कर देते हैं। तो साथियों, ऐसे में बाहर जब भी कोई आप आउटडोर एक्टिविटीज कर रहे हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं वह धूप आने पर करें, क्योंकि यह धूप आने के पश्चात इनका जो कण होते हैं ये ऊपर की ओर उठने लगते हैं। अभी ये बहुत नीचे होते हैं, तो धुंध में न करें, क्योंकि कुछ समय से सुबह सुबह बहुत ज्यादा धुंध हो रही है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही, फिर नए किसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।